हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली जो है यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के जो क्वेश्चन थे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड थे कि अगर सर जो है बहुत सारे जो पेमेंट आप करते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड और वो काफ़ी टाइम पे जो है इंस्टीट्यूट को नहीं पहुँच पाता है या फिर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाता है। सो इसकी डिटेल जो है हमें काफ़ी शो होगी कि जो आपका पेमेंट है वो इंस्टीट्यूट को पहुँच पाया है कि नहीं पहुँच पाया। आप जो है EDP करते हैं, आप 15 दिन वाले जो ऑनलाइन EDP करते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है। देन ऑफलाइन तो जो है आपको क्लासरूम वाले जो ऑफलाइन EDP है वो तो आपको जो है वहीं पे करनी होती है, चैप्टर पे जाकर ही करनी होती है, ठीक है। बट आप कोई भी पेमेंट जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है वो अगर करते हैं तो कहाँ पे चेक करेंगे, और ये भी हम चेक करेंगे कि वो सक्सेसफुल होता है उस केस में क्या करेंगे, अगर फेल हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे। साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि आपके लिए जो है कौन सी ट्रेनिंग अप्लीकेबल है, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो है जो आपका ट्रेनिंग पोर्टल है स्टिमुलेट पोर्टल है, ये इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लॉगिन करेंगे, यही पोर्टल जो है आपके मेंबर के लिए भी होता है। अगर आप एक PCS हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं तो भी आपके लिए यही पोर्टल है। आपके लिए जो लॉगिन ID वो दूसरी होगी, पासवर्ड दूसरा होगा। बट आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं CS एग्जीक्यूटिव CS प्रोफेशनल, तो जो भी आपके CS एग्जीक्यूटिव की ID होगी उससे लॉगिन कर देंगे। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड आप बेसिकली नहीं कर पाएंगे, आपको स्मैश वाली साइट पे जाना पड़ेगा। अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ सब चेक कर सकते हैं। तो आपने जो है अपना जो है अकाउंट को लॉगिन किया, अपना ID और पासवर्ड डाला, तो डायरेक्टली जो है आप अपने जो होम पेज है उस पर पहुँच जाएंगे। तो पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो ट्रेनिंग एप्लीकेबल होती है वो फ्रंट पेज पे ही शो हो जाती है। आपकी प्रोफाइल, आपकी डिटेल्स जो है वहाँ पे शो हो जाती है। ट्रेनिंग डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो 15 दिनों की जो ये बेसिकली न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अभी जो चल रहा है उसके बेस पे जो है इन जो बच्चे हैं उनके लिए जो है एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 15 दिन की जो है वो क्लासरूम ट्रेनिंग है, 15 दिनों की जो है वो ई मोड के थ्रू जो है करनी होती है। इसके अलावा जो है 21 महीनों की 21 मंथ की जो है लॉन्ग टर्म आर्टिकलशिप होती है, ये आपको करनी है। उसके अलावा जो है CLDP जो है वो आपका 30 डेज़ है, और ये बेसिकली दोनों एक ही है। अब इंस्टीट्यूट ये भी कर रहा है कि 15 दिनों का ऑफलाइन और 15 दिनों का ऑनलाइन, तो इसी CLDP में वो आने वाला है। CLDP के रिलेटेड जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, क्या बेसिकली होता है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये पूरी डिटेल्स जो है आप चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। और तो ये बात रही आपकी जो ट्रेनिंग एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो है जो हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो किया है तो उसकी डिटेल्स, उसका स्टेटस आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक कर पा रहे होंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जो है सिंपल आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे वो सब ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो पहले इन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया था वो 7500 रुपीज़ को जो ट्रांजेक्शन किया था 28/5/2023 को, जो फेल हो गया था, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा दूसरा उन्होंने उसी दिन पेमेंट किया था जो भी फेल हो गया था, तीसरा पेमेंट किया तो जो सक्सेसफुल हो पाया था, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है जो रिसिप्ट है ऐसा सेलेक्ट करके जो है व्यू रिसिप्ट करके आप इस रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको जो रिसिप्ट नंबर है वो मिल जाएगा, और ये बैंक रेफरेंस नंबर है, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली फेल हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि इन फेल के केस में क्या होता है कि आपको जो पेमेंट है वो फेल हो गया है बट आपकी जो अमाउंट है वो आपके बैंक से डिडक्ट हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट का जो कहना है वो ये है कि अगर यहाँ पे जो फेल शो हो जाता है इसका मतलब है कि हम तक जो है पेमेंट पहुँचा ही नहीं है। तो बहुत सारे केस में क्या होता है या फिर हर नॉर्मल केस में ऐसे ही होता है, जब भी आपको जो ट्रांजेक्शन है वो सेकेंड पार्टी को नहीं पहुँच पाता है तो जो बैंक है वो आपको जो अमाउंट है वो होल्ड करके रख देता है अपने पास, कि जैसे ही जो है नॉर्मल जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी तो सेंड कर दिया जाएगा, नहीं तो जो है आपकी स्टेटमेंट में या फिर आपके बैंक अकाउंट में वो जमा कर दिया जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी बैंक का बेसिकली, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर केस में क्या कहना है कि अगर आप जो आपको अमाउंट जो है वो यहाँ पे फेल्स हो जाता है, आपको कोई रिसिप्ट नंबर नहीं मिलता है, बैंक रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है, आपको जो है एटलीस्ट 72 घंटे का जो है वेट करना पड़ेगा। तो 72 आवर्स के अंतर्गत जो है आपको जो है अपने बैंक स्टेटमेंट में चेक करना है। उसके बाद जो है एक बार आप बैंक से पता कर लीजिएगा कि मैंने इस टाइम को इतने रुपये का अमाउंट ट्रांजेक्शन किया था, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं। बट अगर वहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है तब उस केस में जो है आपको करना क्या है, आपको जो है जो स्मैश वाला पोर्टल है स्मैश वाले पोर्टल पे जाकर आपको अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड कर लेनी है, ठीक है। आप जो है एक एज अ गेस्ट भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करें कंप्लेंट रजिस्टर्ड कंप्लेंट, ठीक है, यहाँ पे एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट को लॉग इन करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक करने की बात करेंगे तो यहाँ पे
रजिस्टर कंप्लेंट में ट्रैक कंप्लेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ से जो है आप ट्रैक भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट से जाकर भी जो है आप कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको क्या रिजोल्यूशन मिला है, कब तक आपको अपना रिफंड मिल पाएगा, ठीक है। और ये जो रिजोल्यूशन है ये नॉर्मली जो है 24-48 घंटे में मिल जाता है। कुछ लंबा केस होता है तो इंस्टीट्यूट आपको बता देता है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस और योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस, वो आपको बता देता है। सो यही था बेसिकली ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ट्रांजेक्शन रिलेटेड। अगर रिफंड के रिगार्डिंग अगर आप जाना चाहते हैं स्टाइपेंड जो है वो कितना मिलता है ट्रेनिंग में, तो ऑलरेडी मैं जो है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ऑलरेडी रिप्लाई मिलता है। अगर कोई नया अपडेट आया था सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।